हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन मिशन लक्ष्य पर। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग एजुकेशन नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी सिलसिले में और वीडियो जो इसके हैं पहले के यूनिट वन के जो हैं और ये यूनिट टू चल रहा है तो ये कंप्लीट हो गए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले के टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको एनकेसी के नाम से जानते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। अब इसकी स्थापना कब हुई या इसको स्थापित करने का, इस समिति को बनाने का क्या कारण था वो हम लोग जानते हैं। वो जानेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन जो है एनकेसी, इसको ये एक सलाहकारी, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी। एक ऐसी समिति बनाई गई थी नॉलेज के क्षेत्र, यानी नॉलेज से संबंधित, ज्ञान से संबंधित एक ऐसी समिति बनाई गई थी जो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए ये समिति थी कि हम नॉलेज को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने देश का जो नॉलेज है इसको कैसे सृजन करें, आगे बढ़ाएं, और जो पहले का नॉलेज है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसी के संदर्भ में ये समिति बनी थी, यानी कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए समिति बनाई गई थी जिसको कि हम नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से जानते हैं। अब इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे वो सैम पित्रोदा थे और वाइस चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर पीएम भार्गव। तो अब इसमें बहुत से सदस्य थे लेकिन जो आपको जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो आपको जानना ज़रूरी है अध्यक्ष के बारे में, या ज़्यादा से ज़्यादा वाइस चेयरमैन के लिए भी बारे में पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्ष हैं इसके सैम पित्रोदा और जो वाइस चेयरमैन हैं वो डॉक्टर पीएम भार्गवा हैं। अब कोई भी चीज़ बनती है तो पहले उसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि वो चीज़ बनी क्यों, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो इसका उद्देश्य था एनकेसी का, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन का, वो भारत देश में एक ज्ञानवान समाज, भारत देश को जो समाज के लोग हैं, भारत देश में जो नागरिक हैं, जनता है, उसको एक ज्ञानवान समाज में बदलना चाहते थे, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे पूरी सोसाइटी को एक ज्ञानवान के रूप में, यानी कि ज्ञानी, ज्ञान हो उसके अंदर, नए नए ज्ञानों को सीखे, नई नई चीज़ों को लोग जाने। तो भारत देश को एक ज्ञानवान समाज में बदलना चाहते थे ताकि वह ज्ञान का, नॉलेज का प्रतिनिधित्व भी संसार में कर सके। जो इनका उद्देश्य था, जो ज्ञान है, जो परंपरागत ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, आप लोग जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए जो पहले का ज्ञान है उसको परंपरागत ज्ञान कहेंगे, उसको जो नॉलेज है उसको हम सुरक्षित करें, और नए ज्ञान का, क्योंकि आधुनिकता हर क्षेत्र में आ गई है, हर चीज़ में पहले की अपेक्षा हर चीज़ डिजिटल हो गई है, हर चीज़ में कंप्यूटराइज हो गई है, हर चीज़ में नई चीज़ों का प्रयोग होता है, तो एक तरह से नए नए इनोवेशन हुए हैं। तो उस नए ज्ञान को हम लोग जानें और उस ज्ञान का उपयोग भी करें, जैसे हमारी कृषि है, जैसे हमारे उद्योग हैं, जैसी हमारी इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्री हैं, या शिक्षा, चाहे जो हर क्षेत्र में उस ज्ञान का उपयोग को भी जानें। तो ये तीन चीज़ों पर ये आपका बेस था, ये आपका ज्ञान आयोग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि भारत देश को एक ज्ञानवान समाज में बदलना और ज्ञान का प्रति, ताकि वो ज्ञान का प्रतिनिधित्व, नॉलेज का, नए नॉलेज का प्रतिनिधित्व जो है वो संसार में कर पाए। और समय परिवर्तन के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां जो हो जाती हैं वो हर क्षेत्र में उभर के आती हैं। अगर हम पुराने ही ज्ञान को लेकर चलेंगे और नए ज्ञान को नहीं सीखेंगे तो हम समाज में या दुनिया में पिछड़ जाएंगे। तो अब नई नई चुनौतियां जो सामने आई हर क्षेत्र में, उसमें
सुधार लाने के लिए और नई चीज़ों को जानने के लिए शिक्षा प्रणाली में, जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसमें उत्कृष्टता लाने की ज़रूरत थी, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत थी, ताकि कोई भी समाज जो है बिना शिक्षा के, शिक्षा में परिवर्तन लाए बिना वो समाज बदल नहीं सकता, उस समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसीलिए शिक्षा में जो चेंजेस हैं, शिक्षा में जो नवाचार है, शिक्षा में नई तकनीकों का प्रयोग है, वो तो ज़रूर होना चाहिए, उस विषय में बताया गया है। तो उसमें बहुत सारे सुधारों की बात हुई है, हम लोग आगे चल के देखते हैं। अब इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई है, वो 13 जून 2005 में बना है, 13 जून 2005 में बना है, और इसकी अवधि जो 3 साल की रखी गई थी, 2 अक्टूबर 2005 से लेकर 2 अक्टूबर 2008 तक इसकी अवधि रखी गई थी। अब इसके जो मेन पांच क्षेत्र थे, मुख्य पांच क्षेत्र थे, उनके बारे में जानते हैं, जहां इस कमेटी ने फोकस किया है, अपने जो सिफारिशें दी हैं, सुझाव दिए हैं, उनको जानेंगे। पहला क्षेत्र है कि ज्ञान की सुलभता, यानी कि जो ज्ञान है हम लोगों के पास, जो नॉलेज है हम लोगों के पास, वह हर व्यक्ति के पास, जो देश के नागरिक हैं, हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, पिछड़ा जैसा भी है, हर व्यक्ति के पास वो ज्ञान, वो नॉलेज सुलभ हो, आसानी से उसको प्राप्त हो जाए, पहले तो उस पर फोकस किया गया। दूसरा है ज्ञान के सिद्धांत बनाए जाएं, नॉलेज के जो प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उस पर ध्यान दिया जाए। और ज्ञान की रचना, यानी कि जो नया ज्ञान है वो क्रिएट हो, नया ज्ञान, नए नॉलेज की रचना हो, नए नए इन्वेंशन हो, नए नए अनुसंधान हो, नए नए शोध हो, उसके बारे में बताया गया है। आपका फोर्थ है कि सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था, और जो नॉलेज है हम लोगों की, उसको उसके उससे संबंधित जो सेवाएं हैं उसको प्रदान करने की व्यवस्था अच्छी हो। और फिफ्थ आपका है कि ज्ञान का अनुप्रयोग, जो हम नॉलेज सीखे हैं, जो हमने नॉलेज प्राप्त कर ली है, उसका हम हर क्षेत्र में किस प्रकार एप्लीकेशन करें या अप्लाई करें, अनुप्रयोग करें, उसके बारे में बताया गया है। अब आपका हम लोग देखते हैं कि ज्ञान आयोग की रिपोर्ट जो थी, वो एक उसका एक टाइटल था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। इस नाम से उसको प्रस्तुत किया गया था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। इस आप वाक्य को ध्यान से देखिए। अब इसके सुझाव हम लोग देख लेते हैं कि सुझाव क्या थे। अब जो सुझाव आपके हैं, जो मैंने अभी आपको पांच क्षेत्र बताए हैं, ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान की रचना, सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था, ज्ञान का अनुप्रयोग, इन्हीं से संबंधित आपके सारे सुझाव इन्होंने दिए हैं। तो पहला सुझाव इन्होंने दिया है कि ज्ञान की सुलभता को बढ़ाने के लिए, सभी तक पहुंचाने के लिए केंद्र में भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो बहुभाषी है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहाँ पे एक क्षेत्र का ज्ञान, जैसे तमिलनाडु का जो ज्ञान है या वहाँ की जो नॉलेज है, उस वहाँ की भाषा में होंगी, वहाँ की जो पुस्तकें हैं, जो भी हैं, उस भाषा में होंगी, तो उसको जब तक अगर उत्तर भारत में उसको पढ़ाना है, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को देना है, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अनुवाद करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ज्ञान की सुलभता की, अब इधर के जो बच्चे हैं वो भी उधर के ज्ञान को जाने, या इधर के ज्ञान के, उत्तर भारत के जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको दक्षिण भारत के बच्चे भी जाने, तो उसके लिए ज़रूरी था कि भाषा अनुवाद विभाग खोला जाए, ताकि उन भाषाओं का अनुवाद आसानी से हो जाए और हर क्षेत्र के बालकों को, हर क्षेत्र के लोगों को ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाए। अब सेकंड इसका है, अगर बच्चों ये जितने भी सुझाव हैं, अभी जो मैंने आपको पांच क्षेत्र बताए हैं, उनसे अगर जोड़ के इनको देखेंगे तो आपको इनको याद करने में और रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। उच्च शिक्षा की जो सुलभता थी, उच्च शिक्षा यानी कि आपके कॉलेज हो गया, सेकेंडरी होगी, और जो कॉलेज लेवल पर होता है, उच्च शिक्षा की सुलभता हेतु देश भर में 1500 विश्वविद्यालय खोले जाएं।
कितने विश्वविद्यालय, 1500 विश्वविद्यालय खोले जाएं, ये इनका सुझाव था। और राष्ट्रीय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय हैं कि जो केंद्र से अफिलेटेड हैं, केंद्रीय विद्यालय जो हैं, एक तो राज्य की तरफ से विद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, और जो केंद्र से मान्यता प्राप्त होती हैं केंद्रीय विद्यालय, तो वो 50 खोले जाएं, यानी कि 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। जैसे आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है, आपका ये यहाँ पे है, आपका दिल्ली विश्वविद्यालय तो है ही है साथ में, और विद्यालय हैं आपके ये बनारस यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से हैं। और आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्व भारती, वो भी केंद्रीय विद्यालय है। तो इस तरीके के विद्यालय खोले जाएं। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, जिनके पास धन की इतनी व्यवस्था नहीं है, और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो आई थिंक जैसे PhD करना चाहते हैं या बहुत से कोर्सेज करना चाहते हैं उच्च शिक्षा में, तो उनके पास धन का अभाव है, तो ऐसे बच्चों को 20% का अनुदान भी दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया। अब सेकेंड पॉइंट है आपका कि ज्ञान की सुलभता के लिए, और जो ज्ञान आसानी से सबको प्राप्त हो जाए, इसकी सुलभता के लिए अच्छे पुस्तकालय खोले जाएं। इसमें राष्ट्रीय और इसके लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग स्थापित किया गया। अब पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में तो तरह तरह की किताबें हैं, तरह तरह की नॉलेज की चीज़ें हैं, जो कि बच्चा वहाँ पे अपना ज्ञान जो है बढ़ाता है। तो पुस्तकालय जो है वो ज्ञान का एक बहुत अच्छा माध्यम है, ज्ञान प्राप्त करने का, नॉलेज प्राप्त करने का। तो ज्ञान की सुलभता के लिए, उसको आसानी से सबको प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो पुस्तकालय हैं वो खोले जाएं, अच्छे पुस्तकालय जहाँ पे बहुत क्वालिटी की किताब हों, गुणवत्ता वाली किताबें हों। और राष्ट्रीय पुस्तकालय में, और उसके लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग भी स्थापित किया जाए। अब तीसरा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय जो हैं आपके, उससे अफिलेटेड कॉलेज भी खोले जाएं। अब जैसे आपका कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो उससे अफिलेटेड, उससे सहसंबंधित बहुत से कॉलेज, छोटे छोटे कॉलेज आपके ज़िले में खोले होंगे या राज्यों में खुले होंगे, तो बहुत सारे कॉलेज उससे संबंधित होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि ज्ञान का प्रसार करने के लिए, नॉलेज का प्रसार करने के लिए, कि नॉलेज सब तक पहुँच जाए, विश्वविद्यालय से अफिलेटेड कॉलेज खोले जाएँ। फोर पॉइंट है आपका कि व्यावसायिक शिक्षा हेतु, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके हेतु, वोकेशनल आपका जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता निर्धारित की जाए। अब मान लीजिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपने TET कराया जाता है, CTET कराया जाता है, तो ये सब क्या है? ये सब एक मानक निर्धारित किए गए हैं कि आपको टीचर बनना है तो आपको BEd होना चाहिए, या TET आपको कर लेना चाहिए, या CTET कर लेना चाहिए। तो एक तरह से, और जैसे आप नेट कर रहे हैं, तो नेट के लिए आपको 55% आपको MA में होना ही चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो इस तरीके की न्यूनतम एक योग्यता जो है निर्धारित की जाती है कि आप उस योग्यता में हैं तो आप उस शिक्षा को ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाएँ। अब जैसा कि 2002 में 86 संशोधन हुआ था, 86वां आपका 86 संशोधन हुआ था शिक्षा के मामले में, कि जो शिक्षा है, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इस अधिकार को लागू करने के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि इनका उल्लंघन ना हो और ये सभी को ये अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसा कानून बनाया जाए, इसका भी सलाह दी गई थी। अब सिक्स आपका है पॉइंट कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जाए। अब राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है? तो इसमें ये बताया गया है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ज्ञान को एक अथाह सत्ता माना गया है। जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको एक ऐसी सत्ता के रूप में देखा जाता है कि उससे
नॉलेज से बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तो जो नॉलेज है आपका, ज्ञान नेटवर्क जो है, ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से हम देश के भीतर जो सभी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, जितने भी नॉलेज संस्थान हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। नेटवर्क मीन्स क्या होता है, जैसे आपका नेटवर्क है, एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के साथ हर कमरे में छोटी छोटी, या ऑफिस में आप देखते हैं, ऑफिस में एक रूम में कंप्यूटर लगा हुआ है और हर रूम में जो ऑफिस के लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा, तो वो उस नेटवर्क की बात हो रही। उसी तरीके से पूरे देश में जितना भी नॉलेज है, जितने भी नॉलेज के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको एक साथ जोड़ा जाए, उसी को ज्ञान नेटवर्क या नॉलेज नेटवर्क बताया जा रहा है। कि ज्ञान नेटवर्क के माध्यम से देश के भीतर सभी ज्ञान, जितने भी नॉलेज संस्थान हैं, ज्ञान संस्थानों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और जिससे कि जो संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं और जो सहयोगात्मक अनुसंधान होते हैं एक दूसरे जितने भी संसाधन हैं और सहयोगात्मक अनुसंधान हैं, उनका हम आसानी से आदान प्रदान कर सकें। अब इसको आप ध्यान से समझिए कि जैसे ज्ञान नेटवर्क का मतलब ये है कि जितने भी ज्ञान संस्थान हैं, नॉलेज संस्थान हैं, उनको आपस में जोड़ना। और जोड़ने का फ़ायदा क्या है? जोड़ने का फ़ायदा ये है कि एक संस्थान में जो ज्ञान है, जो शोध हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, वो दूसरे नॉलेज संस्थान को, दूसरे ज्ञान संस्थान को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और जिन लोगों के पास संसाधन की कमी है, अनुसंधान उपयोग करने की कमी है, तो उनको भी उनसे जो दूसरे ज्ञान के संस्थान हैं उनसे उनको नॉलेज मिल जाएगी, उस चीज़ का पता चल जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा हुई है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक फाउंडेशन खोला जाए, राष्ट्रीय, इसके लिए एक फाउंडेशन की स्थापना या राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की जाए। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे है कि स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। इसका अर्थ ये है, इन्होंने कहा कि जो आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तभी से जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको पढ़ाया जाए, पहली कक्षा से इसको पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और आपको अगर अच्छा रोज़गार पाना है या अच्छा करियर में जाना है तो आपको इंग्लिश की नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अगर आप तो उच्च शिक्षा में भी जा रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब तो बाद की बात है, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, या आप बहुत अच्छे रोज़गार में जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश का जो ज्ञान है, इंग्लिश की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी जनता को, अपने समाज को एक संसार से, दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इंग्लिश भाषा का ज्ञान तो उन्हें अवश्य ही देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने पहली क्लास से या फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी भाषा को दिए जाने का सुझाव दिया। अब अगला पॉइंट है इसका 8 पॉइंट, कि ज्ञान को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान एवं समाज विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना पर बल दिया गया। यानी कि ज्ञान, नॉलेज को एक इकाई मानते हुए राष्ट्रीय विज्ञान, जो विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की एक स्थापना की जाए, जहाँ आपका जो, जैसे आपका जो रोज़गार है, जो बहुत सारे इन्वेंशन होते हैं विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में जो आपका होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो प्राकृतिक है, भौतिक है, और जो स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी विभाग हैं
आपका प्राकृतिक है, भौतिक है, कृषि है, सामाजिक विज्ञान है, इन सभी क्षेत्रों को जो इसमें नए ज्ञान का सृजन किया जाए। ये जो आयोग है राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें एक तरह से बताया गया कि नए ज्ञान का सृजन किया जाए, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे आपका स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे आपका विज्ञान से संबंधित हो, तो जितने भी क्षेत्र हैं उसमें से जो नए ज्ञान है, नया है, न्यू थॉट का, नए नवीन विचारों का सृजन किया जाए। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना की जाए, जिसमें कि नए ज्ञान का सृजन किया जाए। अगला पॉइंट है आपका कि उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा जो भी हैं, जैसे बहुत सारी व्यावसायिक शिक्षा हैं आपकी, आप कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कानून की शिक्षा लेना चाहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण बनाया जाए, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द हायर एजुकेशन IRAHE की स्थापना की जाए, इसके नाम से इसको जानते हैं। अब 10वां पॉइंट है कि ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए, नॉलेज को सब तक पहुंचाने के लिए एकल पोर्टल की खिड़की की अवधारणा जो है, वो एकल खिड़की की अवधारणा को समझा जाए और राष्ट्रीय वेब आधारित शिक्षा दी जाए। अब एकल खिड़की और ज्ञान की सुलभता में पोर्टल का क्या काम है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो NKC है, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसमें आपका जल, जैसे जल है, ऊर्जा है, पर्यावरण है, शिक्षा है, आपका स्वास्थ्य, साथ ही स्वास्थ्य विभाग है, कृषि है, रोजगार है, नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, ऐसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को एक साथ एक नेटवर्क में राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल से जोड़ा जाए। इन सभी क्षेत्रों को, जो मैंने क्षेत्र आपको बताए, इन सभी को एक साथ राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल से जोड़ा जाए, इसकी सिफारिश इन्होंने की, जिससे कि इस क्षेत्र में जो छात्र हैं, जो अनुसंधानकर्ता हैं और जो कार्यरत लोग हैं, सभी को इससे, सभी एक दूसरे से जुड़ पाएँ, सभी को सूचना जो है वो एक जगह पे, एक ही पोर्टल पर, एक ही एकल खिड़की यानी एक ही पोर्टल पर हर क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जो कार्यरत लोग हैं, सभी को एकल खिड़की यानी कि एक ही पोर्टल पर सारा ज्ञान जो मैंने आपको बताया, किससे संबंधित, जल से, ऊर्जा से, पर्यावरण से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि रोजगार से, इन सभी से संबंधित ज्ञान एकल खिड़की पे ही प्राप्त हो जाए। अब आपका 11वां पॉइंट है कि हेल्थ डाटा बैंक बने, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जाएं। अब इनका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना भी हेल्थ से संबंधित डाटा है, यानी क्या क्या कोई भी परेशानी है तो उसके लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं या क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी चाहिए, तो इस तरीके की जो जानकारियां हैं, इसके लिए इसके एक ऐसा जो निजी अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल हैं, इन सबको साथ में मिलके एक ऐसा डाटा या ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाना चाहिए, कि जिससे कि अगर कोई जानना चाहिए इन सब के बारे में, तो उसको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आपके नेट पे या आपका कंप्यूटर हो गया, उस पर आराम से प्राप्त हो जाए। अब आगे उन्होंने कहा है कि नए ज्ञान की रचना हो और इसके शोध कार्यों को बढ़ावा मिले, नए कार्य, नए नॉलेज की रचना हो, नए, जैसा कि अगर देखा जाए कि आप और देशों को भी देखते हैं, लेकिन जितना आविष्कार यहाँ पे इतना नहीं हुआ है जितना और देशों में हुआ है। अब यहाँ कहना ये गलत नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जुगाड़ की परिस्थिति पे ज़्यादा भरोसा करते हैं सब लोग, या एक दूसरे की नकल करना
या जैसे किसी ने कोई ऐप बनाया तो उसी की नकल करके दूसरा ऐप बना दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि नई चीज़ जो है वो नई चीज़ के आविष्कार पे जो माइंड में एक नए विचार का उत्पन्न होता है वो चीज़ यहाँ ध्यान नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ को बताया गया कि नए ज्ञान का सृजन किया जाए, नए ज्ञान को क्रिएट किया जाए और उसके लिए और शोध उसके लिए शोध कार्य हैं, अनुसंधान कार्य ये सब किया जाए, उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। अब 12वां पॉइंट है कि जो ज्ञान है उसका कृषि और जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान हमारे पास है उनका कृषि कार्यों में, जो कृषि के जो कृषि की ज़रूरतें हैं, कृषि की विधियां हैं कृषि करने की, उन कार्यों में और जो अन्य क्षेत्र हैं, जो उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, उन सब में उन ज्ञान का, उस नॉलेज का उपयोग किया जाए। अब 13 पॉइंट है आपका कि स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क स्वास्थ्य देखभाल, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, हेल्थ डाटा बैंक जो पढ़ा है या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो पढ़ा है उसके बारे में है कि स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, ये क्या नाम था इसका, क्या मतलब था स्वास्थ्य सूचना, यानी कि स्वास्थ्य अगर कोई परेशान है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके से बचना चाहिए, तो इस सब की जानकारियाँ जो हैं स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो उपाय हैं वो आईटी का प्रयोग करा जाए, आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाए। अब 14 पॉइंट है आपका कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे इग्नू है आपका, जैसे दिल्ली से भी बहुत सारे पत्राचार से या डिस्टेंस से पढ़ते हैं, तो जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा है, मुक्त शैक्षिक संसाधन उसमें प्रयोग किए जाएं और जो इस तरह की शिक्षा है उसमें भी एक राष्ट्रीय आईसीटी आधारित तंत्र का सृजन किया जाए और वेब आधारित सामान्य मुक्त संसाधन विकसित किए जाएं और एक क्रेडिट बैंक भी बनाया जाए, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। अब 15 पॉइंट है कि विश्वविद्यालय को कम से कम 3 वर्ष में एक बार अपने पाठ्यक्रम में संशोधन करना जरूरी है। जो विश्वविद्यालय हैं उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें 3 वर्ष में एक बार उसको देखना, उसकी उसको देख रेख करना या उसमें संशोधन करना, क्या कमी है, क्या उसमें क्या ऐड करना, ये सब देखना जरूरी है। अब 16 पॉइंट है कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, जो पहले की संपदा है, जो हमारी पारंपरिक एक परंपरागत जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे चाहे वो हमारी प्रौद्योगिकी का हो क्षेत्र, चाहे हमारे उद्योगों का क्षेत्र हो, तो उसको नए उस ज्ञान को, जो पुराना ज्ञान है उसको भी सुरक्षित किया जाए और नए ज्ञान की रचना की जाए। तो अब 17 पॉइंट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक तरह से सभी क्षेत्रों में, अभी हम लोगों ने कितने क्षेत्र देखे हैं, जल ऊर्जा पर्यावरण, आपका शिक्षा हो गया, खाद्य स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि हो गया, तो कितने सारे क्षेत्र में रोजगार हो गया, नागरिक अधिकार हो गए या आपका शिक्षा का अधिकार हो गया, तो कितने सारे क्षेत्रों में ज्ञान को, ज्ञान की सुलभता और सृजन और उपयोग पे बल दिया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक तरह से सभी क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र, ज्ञान की सुलभता, सृजन और उपयोग पर बल देता है इन सभी क्षेत्रों में। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।